एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब था। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसी में रहते थे और भिक्षा मांग करके जो मिल जाता था उससे अपना जीवन यापन करता था। एक बार पंडित जी किसी पास के गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफी जगह पर फटे हुए भी थे। जब उन्होंने एक घर के दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने जब पंडित जी के फटे चिथड़े कपड़े को देखा तो उनका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित जी को धक्के मार करके घर से निकाल दिया और बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल चले आते हैं। पंडित जी बहुत दुखी मन से वापस चला आया। जब वो घर वापस आ रहा था तो किसी अमीर आदमी की नज़र पंडित जी की फटे कपड़े पर पड़ी। उसे दया आ गई, उसने दया दिखाई और पंडित जी को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित जी फिर उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गया। नए कपड़े में पंडित जी को देखा और हाथ जोड़ करके पंडित जी को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाना लाए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुँह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़े पर डाल रहे थे और बोला। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे। आखिर उसने पूछ ही लिया, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, सारा खाना आपने कपड़े पर यूं डाल दिया। पंडित जी ने भी बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़े को दिया है, इसीलिए ये खाना मैं इन कपड़ों को खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़े में तुम्हारे घर आया था तो तुमने धक्के मार करके घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़े में देख करके अच्छा खाना पेश किया है। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं इन कपड़ों को दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी व्यक्ति का महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करता है, बल्कि उनके पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता है, उसके लिए अच्छे कर्म करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अब आप स्वामी विवेकानंद को ही देख लीजिए,